रोलिंग रोल रोल रोलिंग पर्सनल बुकिंग सी जुहू में इतनी अच्छी आर्टियारी होता है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ऐसे थे आप बहुत सारे कॉलेजेस में थोड़ी देर पहले सुना, कहीं ना कहीं कि हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं फ़ोन में बहुत तरीके से चुकी है, कहीं ना कहीं लाइब्रेरी भी फ़ोन में आ चुकी है। ऐसा तो मैं चाहूँ आप सबसे पहले जाना कि इस आर्ट गैलरी में आपकी क्या राय है पर्सनल। ये बहुत ही मतलब यहाँ जुहू में काफ़ी फेमस गैलरी है और जैसा कि आपने देखा कि बाय द ट्री ये ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है तीसरी बार हो रहा है यहाँ पर अरमान बाग में। तो नॉर्मली कैसे होता है कि आप किसी भी एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको अपना बैग पूरा भर के जाना पड़ता है पैसों से, लेकिन ये फ्ली बाय द ट्री ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहाँ सस्टेनेबल ऑर्गेनिक की सारी चीज़ें एंड ऑब्वियसली मतलब पद्मसी का जो मेरा ब्रांड है वो सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक की कोशिश हमारी जारी है, पर बिकॉज मेरी बहन तेजस्विनी का है ये ब्रांड फ्ली बाय द ट्री तो जाहिर सी बात है मुझे आना ही पड़ा और मुझे भाग लेना ही पड़ा। तो पद्मसीता इज़ पार्ट ऑफ फ्ली बाय द ट्री और तो ऐसा है कि सस्टेनेबल ऑर्गेनिक चीज़ें लोग ज़्यादा उसकी तरफ लोगों का रुख मुड़ रहा है। तो ये एक ऐसी जगह है फ्ली बाय द ट्री जो अलग अलग जगह से, जैसे कुछ लोग अहमदाबाद से आए हैं प्योर सिल्वर जूली लेकर अलग अलग चीज़ें आई हैं हर जगह से, खाने की चीज़ें, कपड़े, कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन, यू नो शावर जेल, शैम्पूस, हेयर क्लेंजर्स, आजकल इतना सब कुछ केमिकल की बात करते हैं ना आप, मुझे लगता है कि तेजस्विनी एंड पद्मिनी जी दे बोथ आर ग्रेट एक्टर्स और मुझे लगता है कि जब आप एक एक्टर होते हो, एक आर्टिस्ट होते हो तो हमेशा आपकी आर्टिस्टिक चैनल्स ऑन होती है और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है और जो उन्होंने किया बहुत सक्सेसफुली ये फ्री बाय द ट्री इस ब्रांड से एग्जीबिशन किया है सारे आर्ट ऑल विमेन आर्टिस्ट। तो खास बात ये है कि दिस इज स्टार्टेड और पायनियर्ड बाय टू वेरी आर्टिस्टिक विमेन एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद आई थिंक मोर देन 20-30 ग्रेट आर्टिस्ट हुआ विमेन। नाउ दे आर ऑल फैशन डिजाइनर्स, दे आर समबडी इज मेकिंग कैंडल्स, समबडी इज मेकिंग पिकल्स एंड समबडी इज मेकिंग होम प्रोडक्ट्स। माय फ्रेंड शाहरुख कपाटिया हरसेल्फ हैज कम फ्रॉम सूरत, वी हैव कम टू एनकरेज हर एंड यू कम एंड सी एवरी स्टॉल, एवरी स्टॉल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड क्या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अचार से लेके कपड़े से लेके चीज़ें से लेके मतलब वहाँ मजा आ गया, मतलब सौंदर्य से लेके पेट पूजा एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ एंड व्हाट एन अटेम्प्ट बाय तेजस्विनी एंड पद्मिनी जी, हैट्स ऑफ, आई लव इट। हम जब हम बात कला और कलाकार की दोनों की कर रहे हैं, आपसे जानते हैं क्या अभी का जो दौर है, जो जनरेशन है, कला और कलाकार की कदर कर और कहाँ तक पहुँचा है? अरे यार आज का जनरेशन है जो तुम्हारी जनरेशन है, मैंने नसीब लोग हम जब छोटे थे कैमरा क्या था, हैंडी कैम क्या था, वो पता नहीं था। वो एक्टर बनने की जर्नी या कलाकार बनने की जर्नी बहुत ही मतलब एक के पीछे से अगर कोई बारा खड़ी होती वहाँ से शुरू हुई थी। और जो आप लोग हो, आप लोग यू आर बॉर्न विद आईफोन्स ऑन योर फेस, यू आर बॉर्न विद हैंडीकैप्स ऑन योर फेस। सो यार यहाँ तो हर एक कलाकार है और आप लोगों का दौर भी, मैं नहीं कहती इजी है, कंपेटिटिव बहुत है, हमारा इतना कंपेटिटिव नहीं था। तो आप लोगों को वो एक क्या बोलते हैं, एक रोड ब्लॉक है जो आप लोगों को पार करना पड़ेगा, हमारे में ऐसा नहीं था हमारे दौर में। लेकिन आप लोगों में कॉम्पिटिशन बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है, अवेयरनेस भी उतनी है, आप लोग इवॉल्व भी होते हो, आप लोग के ब्रेन्स भी इतने शार्प हैं कंपैरेटिवली टू आस। सो या सो आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की कदर हमेशा हो, जहाँ एंटरटेनमेंट होगा वहाँ आई मीन ऑफ कोर्स क्लैप्स वहाँ होंगे। I'm related to this artist gallery. मैं आपसे जानना चाहूँगा, anything else you want to add on this? So this is I'm born and brought up in this area. In Juhu की art gallery Juhu में है और जब हम काला घोड़ा जाते थे, जब हम बहुत सारे अलग साउथ बॉम्बे जाते थे, तब मैं मुझे हमेशा लगता था कि यार Juhu में भी सारे एक्टर्स रहते हैं, हम सब रहते हैं और सिर्फ पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये जो शुरू हुआ है, ये आर्ट गैलरी प्लस कैफे शुरू हुआ है, इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर पीपल टू गेट इंस्पायर्ड, कम एंड वर्क ओवर योर, एक वर्किंग स्पेस भी हो सकती है। यहाँ आप खुद एक आप आर्टिस्टिकली पोयम से लेके स्क्रिप्ट से लेके आप बहुत प्राइवेटली अपने आप में रहकर बहुत सारी चीज़ें आर्टिस्टिकली कर सकते हो। तो ये एक
बहुत ही अच्छी जगह है जो हमें जू में जरूरत थी, इट वॉज लैकिंग एंड नाउ इट इज